20 साल इन जेवरों को पहना तो क्या, मैंने छुआ तक भी नहीं, और अब क्या पहनूंगी, ये सब तेरी बहू को दे दूंगी। बहू? हाँ, कितना भोला बनता है, जैसे जानता ही नहीं कि बहू क्या होती है। फिजूल बातों। तुझे ये सब फजूल बातें लगती हैं? तो क्या जाने, हर माँ के दिल के किसी कोने में एक बहू छुपी होती है, जो एक दिन हाथों में कड़े, पांव में छड़े, छम छम करती चली आती है। ये देख तेरी बहू का हार। बहुत कीमती लगता है ये हार। हाँ, तू नहीं जानता, ये हार 4 पीढ़ियों से हमारे घर में सास से बहू तक चलता आया है, और अब मैं इसे अपनी बहू को पहना दूंगी। देखे, मुझे मालूम था तू बहू के लिए हार ले न ले, हार के लिए बहू जरूर ढूंढेगा। मैं अभी आया। अरे कहाँ चला कुंदन? इस हार के लिए बहू ढूंढ ले। पगला कहीं का। माया, तुमने ये नेकलेस देखा? कितना सुंदर लगता है जगमग जगमग करता हुआ, लेकिन इसकी असली सुंदरता तो उसी वक्त मालूम हो जब किसी के गले का हार बने। देखो, ये तुम्हारी सुंदरता बढ़ाता है या तुम इसको 4 चांद लगाती हो? ये मेरे पहनने का थोड़ा ही है, इसे तो घर की लाज पहनी की, घर की मालकिन। तो क्या तुम इस घर की मालकिन नहीं हो? इस घर के होने वाले मालिक तुम हो, और मालकिन वो जो आएगी। मैं तो बाहर की हूं। बाहर की तुम नहीं, बाहर का तो मैं हूं। मेरा मतलब है कि कैसी बातें करते हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली बीवी पहनेगी। इसीलिए तो तुम्हारे गले में पहनाने से पता चल जाएगा कि उसके गले में कैसा लगता है। पगल मत बनो, समझने की कोशिश करो मेरी बातों को। मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें नहीं समझ रहा है। मेरा मतलब है कि बजाय इसके कि ये खूबसूरत हार किसी अजनबी का इंतजार करता रहे, तुम्हें क्यों नहीं पहन लेती? बेकार की जिद क्यों कर रहे हो? जिद तुम कर रही हो, फिर ऐसी बात को आसमान पर उछाल रहे हो। ये लो अपना हार। माँ, माया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहो बेटा। सुनो, भैया जब छोटे थे तो कैसे गुम हुए? क्या मतलब? ये सब तू क्यों पूछ रही है? ऐसे ही वो जब बातें करते हैं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। पगली, अजीब तो लगेगा ही, जो आदमी 20 बरस से बाहर रहा हो उसे क्या मालूम माँ का प्यार क्या होता है, बहन का दुलार क्या। क्यों, कोई ऐसी बात की मेरे लाडले ने? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर कुछ समझ में नहीं आता। देखो बेटा, मैं लक्ष्मण पूजा रहा हूं माया की शादी पक्की करने के लिए।
मेरी घर हाजिरी में घर का ख्याल रखना। माया की शादी? हाँ, वहां चौधरियों का लड़का है। लड़का अच्छा है, 500 बीघा जमीन है, हजारों की आमदनी है, और फिर माया भी पढ़ लिखकर सियानी हो गई है, उसे विदा करना है। नहीं, तेरी क्या राय? मेरी राय ऐसी जल्दी भी क्या है? अरे बेटा, बेटी का धन ज्यादा दिनों तक घर में भी तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन फेंका भी तो नहीं जा सकता। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक ऐसा आदमी जिसे जिसे मायन नहीं, ऐसे आदमी के साथ आप उसकी शादी कैसे करा सकते हैं? तो मैंने तुमसे राय मांगी, अपने फैसले में टांग लाने के लिए नहीं कहा। आपका फैसला ठीक है कि माया आपकी बेटी है, लेकिन माया मेरी भी कुछ है। होगी, तुम्हें इतराज उस वक्त होना चाहिए लड़का अच्छा ना हो, घर अच्छा ना हो। शादी नहीं हो सकती, लड़की ने लड़का नहीं देखा। जा अपना काम करो। तुमने मुझे बुलाया है माया? ये सब क्या है? राखी, मैं तुम्हारी कलाई पर बांधना चाहती हूं। आज कौन सा रक्षाबंधन का दिन है? रक्षाबंधन का कोई खास दिन नहीं होता। पुराने जमाने में बहनों ने जब जरूरत पड़ी ये राखी भेजी है। मैं नहीं मानता पुराने रस्म रिवाज को। भाई के लिए बहन का प्यार कोई पुराना रिवाज है? क्या जानो प्यार किसे कहते हैं माया? प्यार एक जज्बे का नाम है जो इंसान के मन में होता है, कोई दिखावे की चीज नहीं होती। बंधवानी पड़ेगी। फिर वही बात। मुझे नहीं पसंद है कि इंसान दूसरे इंसान की पूजा करे। मैं पूजा नहीं करती, सिर्फ ये धागा बांधती थी। नहीं, इसमें तुम्हारा बिगड़ता क्या? सब कुछ। जो चीज मुझे पसंद नहीं मैं नहीं करता हूं। तुमने कभी जिंदगी में अपने मन के विरुद्ध कोई बात नहीं की? हर साल जब मेरी सहेली अपने भाइयों की कलाई सजाया करती तो मैं दीवानों के साथ लग लग के रोया करती। आप जब भगवान ने मेरी सुनी है तो क्या लेना चाहते हो? तो क्या तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं मेरे लिए? इतने के शायद तुम उसकी गहराई तक न पहुंच सको, और अगर पहुंच सकती तो कभी ये राखी बांधने की कोशिश न करती।
जी मेरा बाबू बैठो। जैसे भी दो भाई। अजीब आदमी हो बाबू, जब से गए हो कोई खबर ही नहीं। कहां तक पहुंचा मामला? हो जाएगा सब कुछ। जब आते हो यही कह देते हो, अब होगा, कल होगा, आज होगा, आखिर कब होगा? चोरी करना कोई खाला जी का बड़ा है? घर में 20 लोग बसते हैं, माँ है, बाप है। किसकी माँ, किसका बाप? बुढ़िया तो अंधी है ही, बुढ़ा भी बेटे के प्यार में अंधा हो गया है। फिर भरी हुई तिजोरी खाली करने में तुम्हें रुकावट ही क्या है? देखो प्रज, एक आदमी तुमसे लड़ता है तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी गालियों का जवाब प्यार से देता है उसको तुम कैसे हाथ उठा सकते हो? हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। अरे एक तमाचा मारो उस बूढ़े खुसक को। खबरदार उसे बुढ़ा खुसक कहा। ठहरो, इसकी जरूरत नहीं है। पिताजी की बहुत इज्जत है। भले मैं उनका बेटा नहीं, मैं वहां चोरी करने या डाका डालने आया हूं, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से मुझे अपना बेटा क्या के पुकारा है। और वह लड़की माया? मैं उससे प्यार करता हूं, ये कहलवाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। सुनो बाबू, माँ थी, बाप भी थी, माया का प्यार भी थी, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा धंधा नहीं है, पेशा तुम्हारा चोरी, उस पर ये कमजोरी। बंद करो अपना ये लेक्चर। तुम्हें माल से मतलब है या मेरी जाती जिंदगी से? माल से गरज है। मैं सबको बता दूंगी।